एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा को रद्द कर दिया था। 10वीं कक्षा को रद्द करने के पश्चात राज्य सरकार ने कहा था कि 11th क्लास के एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में पेरेंट्स स्टूडेंट्स लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टेस्ट कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, देना कंपलसरी है क्या। तो इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आज संपूर्ण घोषणा कर दी है। ये सब जाहिर कर दिया गया है कि पेपर कितने मार्क्स का होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो आपके जहन में सबसे पहले ये प्रश्न आ रहा है कि क्या ये एग्जाम सबको देना है। ये एग्जाम ऑप्शनल है। जी हाँ, अगर आपकी इच्छा है CET 11th के एंट्रेंस एग्जाम को देने की तो आप दीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं दे रहे हैं एग्जाम तो फिर आपका 11th में कैसे एडमिशन होगा। तो जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10th क्लास का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा उसके आधार पर आपका 11th का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो जिन शहरों में ना, जैसे अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, इन शहरों में 11th क्लास के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस रन होता है, तो जहां जहां सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस रन होता है तो वहां पर जो बच्चे CET देंगे यानी 11th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो टेस्ट देंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए जो है भाई ये जो है 11th क्लास का जो है एडमिशन प्रोसेस रन किया जाएगा। वैसे एक खबर ये भी चल रही है कि हो सकता है कि इस साल जो है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ना हो, तो ऐसी स्थिति में अगर कॉलेज लेवल पर, कॉलेज स्तर पर भी एडमिशन प्रोसेस रन होते हैं तो जो बच्चे ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के थ्रू जो है 11th एडमिशन के लिए जाएंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरह से ये बोला जा सकता है के 11th का CET का एग्जाम देना आपके लिए फायदेमंद सौदा रहेगा, जैसे आपने देना चाहिए। वैसे भी एग्जाम जो है असल में एक चैलेंज है, आपने अगर इसकी साल भर तैयारी की है तो ये एग्जाम के थ्रू CET के थ्रू आपको देखना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। तो हमारा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप 11th का ये एंट्रेंस एग्जाम CET, हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन आप जरूर दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी बोर्ड के लोग, यानी जो स्टेट बोर्ड है इसके अलावा भी बाकी बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तो बाकी बोर्ड के स्टूडेंट जो 10th क्लास में थे क्या अगर वो 11th के लिए स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी देना होगा क्या? तो जी हाँ, अगर वो भी 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी ये CET एग्जाम जो है वो भी दे सकते हैं। अर्थात के स्टेट बोर्ड के अलावा जितने भी स्टूडेंट जो 10th क्लास इस साल अपियर हो रहे थे और एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम कैंसल हो गया, एग्जाम रद्द हो गया और अब वो 11th के एडमिशन के लिए चाहे तो CET एग्जाम जो है दे सकते हैं, अन्यथा उनको जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट मिलने वाला है उसके थ्रू भी जो है वो एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न स्टूडेंट के दिमाग में जो ये आ रहा है कि क्या ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो ये एग्जाम ऑफलाइन होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का ये एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। इसमें सोशल स्टडी पर 25 मार्क्स, साइंस के लिए 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स के लिए 25 मार्क्स और इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स, इस तरीके से 25 25 25 25, इस तरीके से 25 25 मार्क्स के इसके चार सेक्शन है और ये 100 मार्क्स का ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पैटर्न का MCQs पैटर्न का पेपर है। अब एक प्रश्न जो आपके जहन में आ रहा होगा कि ये एग्जाम कब लिया जाएगा, तो इस संदर्भ में जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक GR जारी किया है और एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ मैडम ने कल इस संदर्भ में ट्वीट भी किया, तो उसके अनुसार GR के अनुसार ये कहा गया है कि 10th क्लास में स्कूल में जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो तकरीबन 15 जुलाई तक के कर दिया जाएगा।
15 जुलाई के यानी अर्थात जब भी 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, घोषणा होती है, उसके 2 हफ्ते के भीतर जो है ये एग्जाम लिया जा सकता है, इस एग्जाम को जो है कंडक्ट किया जा सकता है। जिन स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए फीस भर दी थी, उन्हें फीस भरने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म जब भी ये भी डिक्लेयर किया जाएगा, इस संदर्भ में भी आगे घोषणा की जाएगी, तो जैसे ही उन्होंने जो है फीस भर चुके हैं तो उनको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और सीधा जो है वो इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर 15 जुलाई को 10th क्लास का रिजल्ट, 15 जुलाई के 2 हफ्ते पश्चात अर्थात जुलाई माह के अंत में या फिर अगस्त माह के आरंभ में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जा सकता है। तो 11th के एंट्रेंस के संबंध में स्टूडेंट क्वेश्चन तो पूछ ही रहे थे, साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में 11th क्लास के लिए एडमिशन प्रोसेस कब से रन होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं के एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में 11th प्लस 12th का जो एडमिशन प्रोसेस है, जब तक के आपका सीईटी का एग्जाम नहीं होता और कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होते, तब तक हमारा भी जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया जाएगा, है ना। आप इस संदर्भ में जानते ही हैं कि हम 11th प्लस 12th प्लेन साइंस डील करते हैं। प्लस 12th के सेटअप में हमारा जो मेन फीचर है कि हम यहाँ सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी की सुविधा देते हैं। जी हाँ, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी की सुविधा के माध्यम से सेल्फ स्टडी कल्चर को बढ़ावा देना हमारा मकसद है। जो लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, संबंधित है, या जिनके घरों पर कोई ना कोई बच्चा जो है 12वीं क्लास का एग्जाम दे चुका है, खासतौर से बॉयज, तो वो पेरेंट्स इस समस्या से जरूर जो है दो चार हुए होंगे कि आजकल के बच्चे टीनेजर्स, खासतौर से 11th 12th पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल सोशल इन्वॉल्वमेंट्स इधर उधर घूमने में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि भाई उनका 11th 12th पूरी तरीके से बेमकसद हो जाता है। सेल्फ स्टडी कल्चर जो है 90% स्टूडेंट में तकरीबन ख़त्म सा हो चुका है। इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से हमारे सराउंडिंग की जो लड़कियां हैं, घर पे जगह कम है, अगर वो पढ़ने बैठती हैं तो 1760 किस्म के काम जो है बीच में आ जाते हैं, उनको जो एकांत जो माहौल मिलना चाहिए, जो पढ़ाई के लिए एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और चूंकि एक लिमिटेशंस भी होती है लड़कियों के लिए, तो वो ज़्यादा दूर, घर से ज़्यादा दूर लाइब्रेरी के लिए जा भी नहीं सकते। तो हमारा ये जो कंसेप्ट है, हमारा जो ये थीम है, उन लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला। और खासतौर से बॉयज़ के लिए तो हमारा ये सेटअप संजीवनी बूटी है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आजकल के बॉयज़ जो हैं 90% बॉयज़ जो हैं उनके सोशल इन्वॉल्वमेंट कभी टपरी कभी पुटारा, है ना, इधर उधर मोबाइल और ना जाने क्या क्या। तो भाई जब इतनी सारी एक्टिविटीज होगी अदर देन स्टडी, तो जाहिर बात है कि भाई बेमकसद दिमाग जो है वो सेल्फ स्टडी की तरफ जो है राजीव नहीं हो सकता, उसकी तरफ आ नहीं सकता, है ना। तो हम एक माहौल बनाते हैं सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में बॉयज़ के लिए जो है भाई, मैं खुद ये शेड्यूल जो है सेल्फ स्टडी शेड्यूल बोलते हैं हम कंडक्ट करते हैं। हर शेड्यूल में जो है उनको 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को बढ़ाया जाता है। जो 1.5 घंटे 2 घंटे के सेल्फ स्टडी शेड्यूल में अच्छा करते हैं, उनके लिए फिर हम फुल डे शेड्यूल देते हैं। जी हाँ, हमारी ये सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी की जो सुविधा है ये फुल डे है। फुल डे मतलब मॉर्निंग टू नाइट, लेकिन उन बच्चों के लिए जो पहले 1.5 से 2 घंटे जो हमारा शेड्यूल होता है सेल्फ स्टडी का, उसमें अच्छा करते हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम मॉर्निंग से नाइट तक के जो है आपको ये सुविधा देते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से जो अपना स्कोर जो है कर सकते हैं। आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर देंगे और इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा होते हैं। इसके पश्चात फिर किसी ज़रूरी एजुकेशनल विषय पर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।